रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के ग्राम पंचायत धतुरिया के अंतर्गत ही बसा गांव खेड़ा मजरा, जहां पर आने और जाने के लिए कच्चा रोड होने से गांव के बच्चों सहित बड़ों को भी इस मार्ग से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस रास्ते से हर दिन बच्चों को साइकिल केवल हाथ से ही लेकर निकलना पड़ता है। इस रास्ते से पैदल भी निकलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने हर गांव को सड़क बनाकर जोड़ने की बात कही है। यहां तो कच्चे रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इस गांव से मंडी बाजार जाने के लिए इसी रास्ते से होकर सुखेड़ा जाना पड़ता है, पर इस ओर जनप्रतिनिधि का भी कोई ध्यान नहीं है। उनको ग्रामीणों द्वारा अवगत करने के बाद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय वोट लेना होता है उस समय वोट लेने आते हैं और जितने के बाद कोई पूछने नहीं आता है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। वो ग्राम खेड़ा मजरा से जो धतुरिया तक का जो मेन रास्ता है, जो धतुरिया से होते हुए बछोड़ा लगता है, वहाँ तक बहुत ही अति गंभीर समस्या है। इस विषय में हमने ग्राम पंचायत के सचिव महोदय जी लिखित में भी आवेदन दे दिया था और जनप्रतिनिधियों को जनपद जिला और सबको अवगत करा दिया था। जिला सीओ जनपद सीओ को भी अवगत करा दिया, लेकिन इस बारे में अभी तक तो किसी ने सुध नहीं ली है। देखा जाए ये मार्ग जो धतुरिया होते हुए सुखेड़ा, सुखेड़ा से जावरा जाता है, जो मेन मार्ग है आपका, डेली आवागमन है, यही से प्रत्येक व्यक्ति यही से निकलता है और मेन मार्ग यही आने जाने के लिए। वो वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे खुद किसी रास्ते से होकर, बिल्कुल इसी रास्ते से होकर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और यहाँ की गंभीर समस्या है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो कि साइकिलें उनसे चल नहीं पाती है और बाकी व्यक्ति जो भी गाड़ी से जाते हैं उनको मतलब आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और कीचड़ में मतलब ये 3 महीने पूरी ऐसी समस्या रहती है, पिछले विगत 2 वर्षों से ऐसी, और हमने काफ़ी अवगत करा दिया, कोई सुनने को लिए तैयार नहीं। हर बार यही आश्वासन मिलता है कि करवा देंगे, यही जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं आपको? बिल्कुल यही आश्वासन देते हैं कि हाँ करवा देंगे, अब आप हमारी शिकायत ना कर रहे और यही रोक दो आप, ऐसे बोलकर उसको टालमटोल कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।